दोस्तों यहाँ पर Vivo की तरफ से जल्दी उनका न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो कि होने वाला है Vivo Y76 5G। काफी जबरदस्त ये स्मार्टफोन होने वाला है इंडियन मार्केट में। यहाँ पर आपको जल्दी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होता दिख जाएगा। ये लॉन्च हो चुका है मलेशिया में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Vivo Y76 5G के अंदर आपको क्या क्या ऐसे बेहतरीन से स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, क्या इसकी प्राइस होने वाली है, सारे कुछ यहाँ पर हम बात करने वाले। तो दोस्तों इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कंटेंट डेली अपलोड होता रहता है हमारे चैनल पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं हमारी ये बेहतरीन सी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच का यहाँ पर FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट होने वाला है, मतलब जो कलर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वो काफ़ी पंची कलर्स होने वाले। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 700 वाला प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 700 काफ़ी यहाँ पर यूजफुल प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी न्यू प्रोसेसर है, 5G चिपसेट है दोस्तों, मतलब इसके अंदर आपको 5G का मॉडम देखने के लिए मिल जाता है। मिड रेंज फ्लैगशिप कैटेगरी का ये प्रोसेसर है, 7nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बेस है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी काफी यहाँ पर जबरदस्त देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोसेसर काफी डिसेंट सा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। LPDDR4X रैम होने वाली है, और UFS 2.2 का स्टोरेज भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम बैटरी की बात कर लेते हैं, 4100mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, और 44W का यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी थोड़ी कम है पर यहाँ पर चार्जर काफी फास्ट देखने के लिए मिल जाता है, चार्जर काफी फास्ट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर बैटरी सेटअप काफी डिसेंट सा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वही तो यहाँ पर हम कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50MP का मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, 2MP का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और 2MP का यहाँ पर आपको माइक्रो सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप काफी जबरदस्त होने वाला है, और फोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की बात करें वही तो यहाँ पर 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों कैमरा सेटअप तो काफी जबरदस्त होने वाला है, कैमरा वाइज तो कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टाइप सी पोर्ट होने वाला है, NFC होने वाला है, स्टीरियो स्पीकर होने वाले, ब्लूटूथ 5.1 का यहाँ पर आपको ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5mm जैक होने वाला है, और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अदर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारे कुछ स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फनटच OS 12 यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मेमोरी वेरिएंट की बात करें तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऐसा एक ही मेमोरी वेरिएंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शायद से इंडिया में लॉन्च होगा तो 2-3 मेमोरी वेरिएंट यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्राइस की बात करें तो 23,000 ये यहाँ पर प्राइस बता रहा है, मलेशिया की प्राइस है दोस्तों 23,000 पर। ये इंडिया में जब भी लॉन्च होगा यहाँ पर इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। तो दोस्तों ये काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर ये 20,000 में लॉन्च होता है तो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कॉन्टेंट डेली अपलोड होता रहता है हमारे चैनल पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।